हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेरर अंसारी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोट लाइन मार्क के बारे में, ठीक है। और ये हम लोग का और जीएसके में 3 या 2 या 3 चैप्टर बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करने के बाद अब लोग हम एमईके का क्लास करेंगे। तो जीपी रेटिंग का आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है लोड लाइन मार्क। और लोड लाइन मार्क एज ए आप जब चीफ ऑफिसर बनते हैं तो वो लोड लाइन मार्क के बारे में ही आपको डिस्कस करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग लोड लाइन मार्क के बारे में जान लेते हैं। लोड लाइन मार्क देखिए, एक्चुअली लोड लाइन मार्क की जरूरत पड़ती क्यों है? सबसे पहले हम लोग को जानने की जरूरत है कि लोड लाइन मार्क की जरूरत पड़ती क्यों है। तो देखिए, लोड लाइन मार्क का मेन मकसद यही होता है कि शिप को ओवरलोडिंग से बचाया जाए, यानी शिप पर ज़्यादा सामान लोड नहीं किया जाए जिसके कारण शिप जाके बीच समुद्र में क्या हो जाए, तो ड्रॉइंग यानी सिंकिंग यानी डूब जाए। तो लोड लाइन मार्क का मेन मकसद यही होता है, स्टॉप द ओवरलोडिंग। तो लोड लाइन मार्क्स पढ़ने के लिए कुछ और चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। लोड लाइन्स, एक शिप जो होता है शिप के ऊपर लोड लाइन मार्क बना दिया जाता है कि इसी स्तर तक आपको कार्गो लोड करना है, इससे ऊपर कार्गो लोड नहीं करना है। अगर इससे ऊपर कार्गो लोड करेंगे तो आपकी शिप को डूबने का खतरा है। तो लोड लाइन मार्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ नई चीज़ें जिसका नाम है सबसे पहले रिजर्व बॉयंसी। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज रिजर्व बॉयंसी। रिजर्व बॉयंसी क्या होता है? तो देखिए, इसको हिंदी में आप लोग समझ लीजिए, रिजर्व बॉयंसी एक्चुअली होता क्या है। तो रिजर्व बॉयलिंग वो लिमिट होता है जहाँ तक शिप पर सामान लादा जाए, लोड किया जाए कि जहाज दरिया में सेफली आराम से तैर सके, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसको आप लोग इंग्लिश में कैसे डिफाइन कीजिएगा? तो वाटर टाइट वॉल्यूम ऑफ ए शिप इज कॉल्ड रिजर्व बॉयंसी। इसको और भी अच्छा तरीका से डिफाइन करना है तो कैसे बोलेंगे? वाटर टाइट वॉल्यूम ऑफ ए शिप अबव द वाटर इज कॉल्ड रिजर्व बॉयंसी। वाटर टाइट वॉल्यूम ऑफ ए शिप अबव द वाटर इज कॉल्ड रिजर्व बॉयंसी। रिजर्व बॉयंसी इज द इम्पोर्टेंट टू शिप कैन बी फ्लोट सेफली ऑन द सी। इसका मतलब हुआ है कि रिजर्व बॉयंसी जरूरी है ताकि शिप आसानी से समुंदर में फ्लोट कर पाए। तो मैंने रिजर्व बॉयंसी के बारे में आपको बता दिया। अब मैंने दो टॉपिक बताया था आपका कि पहला कि लोड लाइन जो मार्क्स होता है इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्यों जरूरी है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोड लाइन मार्क। तो इसका पर्पस है टू स्टॉप द ओवरलोडिंग। आपको ये याद होना चाहिए। अब कोई आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हाट इज लोड लाइन मार्क। लोड लाइन मार्क है क्या? इसको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना पड़ेगा। ए लोड लाइन मार्क इज ए मार्क टू पोर्ट मीट शिप एंड स्टार बोर्ड मीट शिप। बस इतना बोल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ए लोड लाइन मार्क इज ए मार्क सेट ऑफ द पोर्ट मीट शिप एंड स्टार बोर्ड मीट शिप। बस इतना आप बोल दीजिएगा, आप समझ जाएगा कि ये लोड लाइन मार्क हो गया। तो मैंने लोड लाइन मार्क के बारे में आपको बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि लोड लाइन मार्क का कैलकुलेशन कैसा होता है। तो पानी के डेंसिटी पर निर्भर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फ्रेश वाटर का डेंसिटी जानेंगे। फ्रेश वाटर का डेंसिटी होता है 100 kg/m³। उसके बाद आपका आता है सी वाटर। याद रखिएगा, यह आपका एग्जाम में पूछता है। सी वाटर का डेंसिटी होता है 1025 kg/m³। याद रखिए, ठीक है। अगर देखिएगा, हम लोग का शिप जो है वो रिवर में भी चल सकता है और ओशियन में भी चल सकता है। तो जो रिवर होता है वो फ्रेश वाटर होता है और जो सी होता है वो साल्ट वाटर होता है। तो वहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फ्रेश वाटर की डेंसिटी कम होती है और सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी कहने का मतलब हुआ घनत्व। जैसे अगर आप फ्रेश वाटर में जाते हैं
अगर मान लीजिए कि अगर आप फ्रेश वाटर में जाते हैं तो फ्रेश वाटर में तैरने में आपको दिक्कत होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है तो कम होती है, और सी वाटर में जाते हैं तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें आसानी से तैर सकते हैं। तो ये आपसे पूछेगा कि विच इंस्ट्रूमेंट टू यूज फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड, माने वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे वाटर या किसी भी लिक्विड का डेंसिटी मापा जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपका होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, हाइड्रोमीटर से किसी भी लिक्विड का डेंसिटी को माप सकते हैं। अब ये भी बात आप याद रखिएगा कि इसको हम हाइड्रोमीटर बोल रहे हैं, नॉट ए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर अलग होता है, ठीक है, हाइग्रोमीटर होता है वेट बल्ब थर्मोमीटर और ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, यानी ड्राई टेम्परेचर को मापने के लिए और वेट टेम्परेचर को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है, जिसे साइक्रोमीटर भी कहते हैं, लेकिन ये हाइड्रोमीटर इसका उपयोग डेंसिटी मापने के लिए होता है। तो हाइड्रोमीटर बना दिया। अब एक और क्वेश्चन आता है जिसका नाम होता है व्हाट इज ब्रेक्सी वाटर। ब्रेक्सी वाटर, BRACK, ब्रेक सी वाटर, व्हाट इज ब्रेक्सी वाटर, क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द ब्रेक्सी वाटर, ब्रेक्सी वाटर क्या है, ठीक है। तो देखिए, द डिफरेंट बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सी वाटर इज कॉल्ड ब्रेक्सी वाटर, या द डिफरेंट बिटवीन फ्रेश वाटर और सी वाटर इज कॉल्ड ब्रेक्सी वाटर, यानी इन दोनों के बीच जो डिफरेंट होता है उसी को बोलते हैं ब्रेक्सी वाटर, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि फ्रेश वाटर और सी वाटर का डिस्टेंस कितना है, तो 5 to 5 kg/m³, तो इसी को बोलते हैं ब्रेक्सी वाटर। अब देखिए, अब इसी हिसाब से मैं आपको कुछ सवाल करता हूं, आप थोड़ा ध्यान से इसको जवाब में उसको बताइएगा, ठीक है। डेंसिटी कब बढ़ेगा और कब घटेगा, ठीक है, आपको ध्यान से बताना है, ठीक है। दो क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूं, देखता हूं कि आप लोग बढ़िया से जवाब दे पाते हैं, ठीक है। एक, व्हेन ए शिप गो फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर, डेंसिटी व्हेन ए शिप गो फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर, यहां पर डेंसिटी की जगह लिख देते हैं ड्राफ्ट, मैंने आपको पढ़ाया था ड्राफ्ट के बारे में, ड्राफ्ट मैंने तो आपको बताया था कि व्हाट इज ड्राफ्ट, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन वाटर लाइन एंड कील इज कॉल्ड ड्राफ्ट। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हेन ए शिप गो फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि एक शिप है वो सी वाटर से फ्रेश वाटर में जा रहा है, ठीक है, यानी समुंदर से वो कहां जा रहा है, तो दरिया में, यानी आपका समुंदर से नदी में आ रहा है, तो जब समुंदर से नदी में आएगा तो उसका जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट बढ़ेगा कि घटेगा। तो जाहिर सी बात है कि जब वो समुंदर में था तो वो ज्यादा ऊपर उठा था, तो इसका मतलब हुआ कि उसका ड्राफ्ट क्या था, कम था, लेकिन जब समुंदर से वो रिवर में आएगा तो धंस जाएगा सीप, तो उसका ड्राफ्ट जब धंसेगा तो ड्राफ्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, तो इनक्रीज हो जाएगा, इनक्रीज, ठीक, इसका ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, तो इनक्रीज हो जाएगा। और ये देखिए, ये सीप गो फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर, फ्रेश वाटर में जहाज रिवर में रहेगा तो धंसा हुआ रहेगा, यानी उसका ड्राफ्ट ज़्यादा रहेगा, और जब रिवर से जहाज समुंदर में जाएगा तो जहाज उठ जाएगा, तो उसमें पानी का लेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ड्राफ्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, तो ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज, डिक्रीज, ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, व्हेन ए शिप गो फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर ड्राफ्ट इज इंक्रीज, और व्हेन ए शिप इज गो फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी वाटर ड्राफ्ट इज डिक्रीज,
ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्लिम्जोन लाइन के बारे में, ठीक है। प्लिम्जोन लाइन क्या होता है, क्योंकि ये भी एमसीक्यू में आपका पूछता है प्लिम्जोन लाइन। एक्चुअली देखिए, जो प्लिम्जोन लाइन होता है ना, वो लोड लाइन डिस्क होता है उसके ऊपर इंडिकेट करता है। देखिए, इसको बोलते हैं लोड लाइन डिस्क। जो लोड लाइन होता है ना, लोड लाइन का मेन सर्कल होता है, तो जो लोड लाइन होता है इसके बीच में एक सेंटर होता है, सेंटर के ऊपर से एक डिस्क जाता है जिसको बोलते हैं प्लिम्जोन लाइन, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लिम्जोन लाइन, ठीक है। और प्लिम्जोन लाइन का जो डायमीटर होता है, डायमीटर तो आप लोग समझते होंगे व्यास, प्लिम्जोन लाइन का डायमीटर जो होता है 300 mm होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्लिम्जोन लाइन का डायमीटर कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा इसको बोलते हैं प्लिम्जोन लाइन, इसको बोलते हैं प्लिम्जोन लाइन, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं प्लिम्जोन लाइन, प्लिम्जोन लाइन, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं प्लिम्जोन लाइन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, व्हाट डू यू मीन बाय द प्लिम्जोन लाइन, तो प्लिम्जोन लाइन इज ए लाइन विच अपर एज गो फ्रॉम द लोड लाइन डिस्क। ए प्लिम्जोन लाइन इज ए लाइन डायमीटर 300 मीटर, इट्स अपर लाइन, इट्स अपर एज गो फ्रॉम लोड लाइन डिस्क सेंटर, ठीक है। जो प्लिम्जोन लाइन होता है वो लोड लाइन डिस्क से जाता है। तो ये मैंने आपको प्लिम्जोन लाइन के बारे में बता दिया। अब प्लिम्जोन लाइन या प्लिम्जोन लाइन में ये आपको याद रखना चाहिए, प्लिम्जोन लाइन का डायमीटर कितना होता है, 300 mm होता है। ये इस पूरा को बोलते हैं लोड लाइन डिस्क और इस लाइन को बोलते हैं प्लिम्जोन लाइन, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, लोड लाइन मार्क हो गया। अब लोड लाइन के मार्क के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग जानेंगे, जो जरूरी है वो है आपका क्लासिफिकेशन सोसाइटी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये एक ये प्लिम्जोन लाइन हो गया, ठीक है, प्लिम्जोन लाइन हो गया। और यहाँ पर आपको शिप दिखाई दिया होगा, जो इंडियन शिप होगी वहां पर NR लिखा रहता है, ठीक है। किसी में LR लिखा रहता है, किसी में IR लिखा रहता है, किसी में UK लिखा रहता है। इसका अर्थ क्या होता है, ये इसका अर्थ होता है ये नाम है, ये क्या है, तो क्लासिफिकेशन सोसाइटी का नाम है। जहाँ पर जो बड़ी बड़ी शिपयार्ड होती है, जहाँ पर शिप बनती है, वहाँ पर क्लासिफिकेशन होता है, सोसाइटी होते हैं, नेवल आर्किटेक्चर होते हैं, जो शिप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो वो एक अलग से डिपार्टमेंट होता है जो क्या करता है, तो लोड लाइन को उस शिप के कैपेसिटी के हिसाब से उसमें अटैच करता है कि यहाँ तक ही कार्गो का ऑपरेशन हो सकता है, यानी कार्गो लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है। तो वो जो सोसाइटी इस काम को करता है उसी सोसाइटी का यहाँ पर दो सिंबल लिख दिया जाता था। तो बहुत सारे शिपों पर LR लिखा होगा, किसी पर IR लिखा होगा, तो ये जो सिंबल होता है इसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन सोसाइटी, ठीक है। तो LR इसका पूरा नाम होता है लोयट रजिस्टर, ठीक है, लोयट रजिस्टर, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन सोसाइटी के नाम है। पूछ देगा कि what do you mean by the LR, तो LR इज लोयट रजिस्टर इज क्लासिफिकेशन सोसाइटी। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता है कि इंडियन क्लासिफिकेशन सोसाइटी, इंडियन क्लासिफिकेशन सोसाइटी का क्या नाम है, तो इसका नाम है IR, इंडियन रजिस्टर, याद रखिएगा, इंडियन रजिस्टर शिपिंग, IRS, EAS को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं IR लिखा हो जाए तो समझिएगा उस शिप का शिपयार्ड कहाँ है, तो इंडिया में इंडियन रजिस्टर है। और ये IR क्या है, तो ये क्लासिफिकेशन सोसाइटी है, ये तो आपको याद रहेगा। चलिए, अब हम लोग इतना चीज जानने के बाद अब हम लोग एक्चुअली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लोड लाइन मार्क के बारे में, ठीक है। लोड लाइन मार्क बहुत जरूरी है, तो अब एक्चुअली हम लोग का शुरू होता है लोड लाइन मार्क। तो लोड लाइन मार्क का पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद ही हम लोग जानेंगे कि लोड लाइन मार्क बनता है कैसे। तो चलिए हम लोग फटाफट ड्रॉ करते हैं लोड लाइन मार्क। आप लोग भी मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए लोड लाइन मार्क। ये मैं छोटा फिगर बनाता हूँ, क्योंकि बड़ा फिगर बनाऊंगा तो उतना बोर्ड मेरा है नहीं। मैंने ये आपको बताया था कि ये क्या है, तो ये आपका प्लिम्जोन लाइन है, ये आपका प्लिम्जोन लाइन हो गया। आपको सामने दिखाई दे रहा है प्लिम्जोन लाइन के साथ कुछ चीजें और आपको दिखाई देंगे, ठीक है।
मैं शॉर्टकट बना रहा हूँ, मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप बोलिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप बोलिएगा तो। लेकिन जो है मेरे पास, मैं शॉर्टकट बना लेता हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आए। ठीक है, ये होता है लोड लाइन मार्क, इसी तरह सी पर बनाया जाता है। ठीक है, तो इस जो सी पर बना होता है, ये जो डायमीटर होता है, इसको भी आप समझ लीजिए कि ये डायमीटर कितना होता है इसका। ठीक है, तो ये सबसे पहले आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, और ये इंडियन क्लासिफिकेशन सोसाइटी की है। ठीक है, IR है, इंडियन क्लासिफिकेशन सोसाइटी। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं WNA, उसके बाद ये S होता है, उसके बाद ये W होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन क्या है, आप पहले इसको समझ लीजिए कि बढ़िया से कौन क्या है। ये टी है, ये फ्रेश वाटर है, और ये आपका ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं लोड लाइन मार्क। ठीक है, ये पूरा हो गया लोड लाइन मार्क, आपके सामने दिखाई दे रहा है लोड लाइन मार्क। ठीक है, अब सबका अलग अलग नाम होता है। ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग जो सीप पर माल लोडिंग और लोडिंग करते हैं, वो एस तक ही करते हैं, इसको बोलते हैं समर ड्राफ्ट। समर ड्राफ्ट तक ही किसी भी, अधिकतर हम लोग कैलकुलेशन करके या अधिकतर समर ड्राफ्ट तक ही कार्गो का लोडिंग करते हैं। कार्गो से अगर समर ड्राफ्ट से ऊपर जाएगा तो बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर हमारा सीप जो है वो साउथ अफ्रीका साइड में है, साउथ अफ्रीका में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो वहाँ की गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो वहाँ पर समर ड्राफ्ट में लोड कर लिए ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ठंडा प्रदेश में आ गए, तो ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब जब ड्राफ्ट बढ़ जाएगा, तो सीप क्या हो गया, नीचे की तरफ डूबने का खतरा होता है। इसलिए ये आप जब चीफ ऑफिसर बनेंगे तो ये सब आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो मेरा मेन मकसद यही था कि मैं आपको बता दूं कि ये जो लिखा हुआ है, ये सब का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में, एग्जाम में यही पूछा जाता है, व्हाट इज द टी, व्हाट इज एस, व्हाट इज डब्ल्यू, व्हाट इज WNA, व्हाट इज TF, व्हाट इज F, ठीक है, व्हाट इज IR। तो IR का होता है इंडियन रजिस्टर। ठीक है, तो इस ये सब का मैं आपको नाम देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, ये बहुत ही काम आएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग नाम लिख लेते हैं। पहला हम लोग का एस है। ठीक है, एस, इसका पूरा नाम होता है समर ड्राफ्ट, समर ड्राफ्ट, आप समझ जाएंगे। उसके बाद आपका क्या है, W, इसको बोलते हैं विंटर ड्राफ्ट, ड्राफ्ट आप लोग समझ जाएंगे। उसके बाद आपका है WNA, इसका होता है विंटर नॉर्थ एटलांटिक, क्योंकि इसका स्पेलिंग हम देख लेते हैं, एटलांटिक, एटलांटिक। उसके बाद आपका है एफ, इसका होता है फ्रेश, फ्रेश समर ड्राफ्ट मार्क। ठीक है, मैंने ये फ्रेश वाटर लोड लाइन मार्क, ठीक है, ये होता है फ्रेश समर लोड लाइन मार्क। ठीक, विंटर लोड लाइन मार्क, ये विंटर नॉर्थ अटलांटिक लोड लाइन मार्क। ठीक है, फ्रेश वाटर लोड लाइन मार्क। ठीक, इसमें लिखना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा, फ्रेश वाटर लोड लाइन मार्क आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका TF है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर लोड लाइन मार्क। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, फ्रेश वाटर, और एक आपका कुछ और बचा हुआ है शायद, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, समर लोड लाइन मार्क,
डब्ल्यू से विंटर लोड लाइन मार्क, डब्ल्यू एन ए से विंटर नॉर्थ अटलांटिक लोड लाइन मार्क, एफ से फ्रेश वाटर लोड लाइन मार्क, टी से ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर लोड लाइन मार्क। तो ये लोड लाइन मार्क के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सबका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह पूछ देगा, व्हाट इज द समर ड्राफ्ट। पहले तो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ड्राफ्ट, तो हम लोग ड्राफ्ट बोलते थे, ड्राफ्ट का डिफिनेशन बोलते थे, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन वाटर लाइन एंड कील इज कॉल्ड ड्राफ्ट। लेकिन पूछ देगा व्हाट इज समर ड्राफ्ट, तो सेम उसी तरह है, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अपर एज ऑफ एस लाइन एंड कील इज कॉल्ड समर ड्राफ्ट। फिर क्वेश्चन पूछ देगा व्हाट इज विंटर ड्राफ्ट, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अपर एज ऑफ डब्ल्यू लाइन एंड कील इज कॉल्ड समर ड्राफ्ट विंटर ड्राफ्ट। इस तरह पूछ देगा व्हाट इज ट्रॉपिकल ड्राफ्ट, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अपर एज ऑफ टी लाइन एंड कील इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ड्राफ्ट। लेकिन अगर आपसे वही क्वेश्चन पूछ दे व्हाट इज समर फ्री बोर्ड, तो फ्री बोर्ड का हम लोग पहले क्या पढ़ते थे, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन मेन डेक और वाटर लाइन इज कॉल्ड समर ड्राफ्ट ड्राफ्ट। तो आप समर ड्राफ्ट में क्या बोलेंगे, सेम उसी तरफ हो जाएगा, ड्राफ्ट की जगह इसमें क्या बोलते हैं फ्री बोर्ड। व्हाट इज समर फ्री बोर्ड, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अपर एज ऑफ एस लाइन एंड मेन डेक इज कॉल्ड समर फ्री बोर्ड। व्हाट इज टी फ्री बोर्ड, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द अपर एज ऑफ टी लाइन एंड मेन डेक इज कॉल्ड ट्रॉपिकल फ्री बोर्ड। तो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं, तो इसको दोस्तों हम मिटाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो हम लोग का नेक्स्ट है वो थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक और इसमें क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, व्हाट इज फ्रेश वाटर अलाउमेंस, फ्रेश वाटर अलाउमेंस। इसका मतलब देखिए, अगर सीप रिवर से समुंदर में जाती है या समुंदर से रिवर में आती है तो उसका ड्राफ्ट या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो यही जो बढ़ना और घटना होता है उसी को बोलते हैं फ्रेश वाटर अलाउमेंस। व्हेन ए सीप इज गोइंग फ्रॉम सी वाटर टू फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर टू सी वाटर, ड्राफ्ट इज चेंज इज कॉल्ड फ्रेश वाटर अलाउमेंस। इसको इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, When a ship is go from sea water to fresh water and fresh water to sea water and when the draft is change is called fresh water allowance. तो ये fresh water allowance होता है। अब देखिए जो load line disc मैंने आपको बनाया था, ठीक है, ये सिर्फ timber यानी जो आपका wood carrier होता है या timber carrier होता है उसको छोड़कर बाकी सब में यही load line mark करता है। लेकिन जो timber carrier होता है जिसमें मैंने आपका load line mark इधर draw किया था उसमें आपका पोर्ट साइड में हो जाता है, ठीक है, और बाकी सब में स्टारबोर्ड साइड में होता है। तो सेम चीज लिखा जाता है, जैसे मैंने आपका इधर एस लिखा था, इधर एस लिखा था ना, तो उसमें एल एस लिखा जाएगा, उधर मैंने आपका इसके ऊपर टी लिखा था तो उसमें एल टी लिखा जाता है। एल जो होता है इसको बोलते हैं एल प्रीफर बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रीफिक्स टू टी, ठीक है। तो अगर लोड लाइन में आपका पूछेगा कि वुडन कैरियर में एल फोर क्या होता है, तो एल इज प्रीफिक्स टू टी, ठीक है, एल का मतलब होता है प्रीफिक्स यानी पहले आना। तो दोस्तों मैं लोड लाइन मारे के बारे में आपको पूरा बता दिया, अगर कुछ दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सुधारने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।